जिस तरह रेयांश ने मेरे बारे में इतना बुरा कहा, सोच तो रही थी कि यही नौकरी छोड़कर चली जाऊं, पर ना चाहते हुए भी मैंने अपना पहला शो किया जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत की थी। आज तो पार्टी दो। पार्टी लाइक है क्या? नौकरी तो है, कहीं और मिल जाएगी। शो खत्म होते ही मैंने ये डिसाइड किया कि रेयांश के साथ काम करके मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगा सकती। जितनी जल्दी हो सके मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शीजा में ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों को ना एक नाम होता है, यू नो व्हाट डू यू कॉल देम? रेयांश के पास्ट में जो कुछ भी बीता या जो कुछ भी वो औरतों के बारे में सोचता था, मेरे लिए उसका कहा हर वर्ड मुझे उससे दूर लेकर जा रहा था। अगर करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी एक को चुनना पड़ता तो मेरे लिए ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था। मामा, मैं पूजा के घर जा रही हूँ। तुम पूजा के यहाँ नहीं जा रही हो राधे? क्यों डैडी, पूजा से क्यों नहीं मिल सकती मैं? इतना सब कुछ हो गया, इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा। बेटे कुछ दिन बीत जाने दो, पूजा के पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं है मम्मा, पूजा एक बालिग लड़की है और उसे अपने कमरे में बंद किया हुआ है। ना फोन, ना दोस्त, ना जॉब, कुछ नहीं। वो कुछ चिड़िया नहीं है जो उसे पिंजरे में रखेंगे और उसका पिंजरा फिर किसी और के हाथ में थमा देंगे। ये तुम बोल रही हो ना, तुम्हारे इस नए जॉब की वजह से बोल रही हो। तुम्हें मालूम इतनी जुबान पहले कभी नहीं चली तुम्हारी। तुमने उनके फैमिली मैटर में दखल दिया है ये बिना सोचे कि शर्मा जी मुझे कितना मानते हैं। तुम तुम्हारे डैड की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन बाकी लोग तो करते हैं ना। तुमने सब कुछ फूंक दिया, तुम अपने आप को भूल गई हो राधी। तुम ये भी भूल गई हो कि हमारे जैसे सिंपल घरों में ये सब नॉर्मल नहीं होता है। वो लड़का जिसका सरनेम तक का पता नहीं है वो दामाद बनेगा शर्मा जी का। नहीं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है। ये जो तुम आजकल बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रही हो ना, ग्लैमर वाले, मीडिया वाले, सिंगर्स, एक्टर्स, होटेलियर्स, इन सब लोगों के यहाँ ये सब चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता है। हम क्या जानते नहीं तुम्हारे ऑफिस में किस तरह के लोग हैं? ये मेरा ऑफिस क्यों बीच में आ रहा है यहाँ पे? एक मिनट, तुम्हारा ऑफिस कहाँ से बीच में? ये पिछले 2-3 दिनों से ये छप रहा है। ये देखो कौन सी फैमिली है, ये वही फैमिली है ना, सिंगर माँ, होटेलियर बाप और न्यूज एडिटर बेटा। माँ ओपनली अलग लाइफ जी रही। नहीं रुको, बात तो करने दो मुझे। जिस घर में रहती है उस पति के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हारे बॉस के बारे में तो हमेशा छपते रहता है कुछ ना कुछ। और ये विक्रम उसी का दोस्त है ना, जिसकी माँ ने शादी नहीं की, जिसके बाप का कुछ पता ही नहीं, ये सब नॉर्मल है? ये सब रईस घर के लोग है बेटा, ये अपना समाज खुद बनाते हैं। हम लोगों को अपने समाज में मुंह दिखाना होता है, और यही परवरिश देने की कोशिश की है तुम्हें, लेकिन तुम उन लोगों के साथ उठते बैठते हुए तुम्हारी सोच भी वैसी हो चुकी है। लड़ी पहली बात तो ना इसमें किसी का नाम नहीं लिखा, और दूसरी बात ऐसे अखबार और इंटरनेट के पीछे गुमनाम होकर किसी को बदनाम करना ना बहुत आसान होता है। क्यों बहस कर रही हो राधी, तुम्हें पता है ना डैडी को ये पसंद नहीं है। इसे सब पता है भक्ति, लेकिन इसका बॉस और विक्रम ये ग्लैमर की दुनिया से है ना, इसलिए मेरी बातें उसको नहीं समझनी। डैडी मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं डाली, और वैसे भी यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है, पूजा की हो रही है, ये पूजा का फैसला है। और जब मेरी बारी थी ना डैडी, तब मैंने वही किया था जो आपने मुझसे करने को कहा था। इस नालायक मयंक को छोड़ के तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, ये तो अच्छा हुआ कि लोगों को पता नहीं चला कि हमारी बेटी का अफेयर है। मेरा अफेयर नहीं था मयंक के साथ। तो आपने होने नहीं दिया ना, कोई रिश्ता शुरू होने से पहले आपने उसमें गला घोट दिया था। अरे तो गलती करने जा रही थी तुम बेटा। क्या गलती डैडी, मेरी गलती थी, मैं सीख जाती उससे, लेकिन नहीं, मुझे तो गलती करने का भी हक नहीं है। क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं होता कि अपने बच्चों को गलती करने से रोके, जिस गलती से कभी वापस ना हो पाए। एक सेकंड, यहाँ मयंक की बात क्यों हो रही है? हम यहाँ पूजा और विक्रम की बात कर रहे हैं ना। और डैडी वैसे भी आज के जमाने में ना कोई अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है ना तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। राधिक उसका असर दिख रहा है अभी। चोरी पकड़ी गई। रात को ऐसे छुप छुप के गुलाब जामुन खाए जा रहे। तेरी डायबिटीज की वजह से घर में छुप छुप के मिठाई आती है, मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह खानी पड़ती है। बताओ मेरे गुस्से वाले गाड़ी को, फिर आके कहेंगे कि मिडिल क्लास घर में ऐसे चोरी से गुलाब जामुन खाना नॉर्मल नहीं। राधी देखो, अब तो चोरी पकड़ी गई तो फाइन तो लगेगा। चलिए
खिलाइए मुझे भी। नहीं ऐसे दूर से। बुलाओ डैडी को। खिला दो ना। मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ, तू तो मत कर। आप स्ट्रेस मत लो, मैं डैडी को कल सॉरी बोल दूंगी। तू मेरी गुड गर्ल है ना। देख पूजा के पापा ने इनसे कहा था कि इस बारी पूजा और आराधना को कुछ गड़बड़ मत करने देना। अब उन्होंने डायरेक्टली ऐसे कहा तो डैडी को अच्छा नहीं लगा। तो क्या प्लान है मम्मा, जिंदगी भर खूटे से बांध के रखेंगे? मैं बीच में नहीं बोलती। भाई साहब कल पूजा को किसी लड़के से मिलवा रहे हैं, वो जाने उनका मैटर जाने, तू बीच में मत पड़। जबरदस्ती ऐसे किसी लड़के बीच में मत पड़। अच्छा ठीक है, यही बता दो कि कहाँ हो रही है ये जबरदस्ती वाली अरेंज मैरिज वाली मीटिंग? तुझे क्या करना है? हाँ समझ गई, ये वो पचकुया रोड वाले रेस्टोरेंट में हो रही है ना, डैडी और अंकल का फेवरेट। वही नूडल्स, वही ग्रेवी, वही बातें, वही ख्यालात। तू क्यों उनका मेन्यू सेट कर रही है? सो जा, गुड नाइट। ठीक है ओके, एक बाइट बस एक। राधी पूजा के पापा ने कुछ सोच के ही किया होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी करा देंगे यार, वो जानते ना कि वो उनकी बेटी है, कोई गाय नहीं है जिसे बांध देंगे कूटे से। विक्रम तुम प्लान सुनोगे या आउटरेज ही करते रहोगे? मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारे दिल को तो ठेस ही पहुँचा जा रही है, तो क्या करूँ मैं? पता नहीं आराधना, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूजा ने गिव अप किया है। रेस्टोरेंट में मीटिंग है, मेरे डैडी आने वाले हैं। शर्मा अंकल मेरी डैडी को बहुत मानते हैं, मेरी फैमिली और पूजा की फैमिली काफ़ी क्लोज है, तो वो चाइनीज में क्या खाएंगे, उन्हें आइसक्रीम कौन सी पसंद है, आई नो एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग सर। ए चिकन बिरयानी, मैं तुम्हें कहा था ना कुछ दिन के लिए सामने बताना। एक मिनट हाँ एक मिनट, वो मेरी टीम में है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो इस ऑफिस को बहुत ओन करता हूँ, तुम लोग को जो करना करो। शरण हो रही है मुझे। Just ignore him, you sit, relax. अब तुम दोनों की क्या पंगे चल रहे? पूछ लो ना अपने दोस्त से जाके, क्या कहा था उन्होंने मुझे? लूज कैरेक्टर, मैं लड़कों को टहलाती हूँ, राइट? आई हर्ड एवरीथिंग। ओह गॉड आई एम सो सॉरी। उनके सॉरी कह रहे हो, तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, वो है ही ऐसे। पर पता है अच्छा ही हुआ मैंने सुन लिया, वरना प्रिनी की तरह अपनी बॉस के मूड पे मंडराते हुए बादलों से ना मैं भी कंफ्यूज रहती, कब गरजेंगे कब बरसेंगे पता नहीं। आराधना वो एक्चुअली क्या है ना, इट्स ओके यू चिल रिलैक्स, मैं वैसे भी नई नौकरी ढूंढ रही हूँ, जब रहूंगी नहीं तो हर्ट कैसे करेंगे? तुम वो सब छोड़ो और चलो चलते हैं, आपकी लव स्टोरी सॉर्ट करते हैं पहले, फिर सोचेंगे मेरे लाइफ के बारे में। विक्रम ये सुनैना और रेयांश काफी क्लोज है ना? हाँ एक्चुअली दोनों फैमिली क्लोज है, वो हमारे स्कूल में भी सीनियर थी और कॉलेज में भी। सब कुछ पता होगा ना रेयांश के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, सारी खबर होगी ना इनके पास। रेयांश और सुनैना को एक साथ देखकर मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि कोई तो करीबी ही है जो रेयांश और उनकी मॉम के बारे में न्यूज छापकर उनको परेशान कर रहा था, पर कौन था वो मुझे अब पता लगाना था। दिमाग के लिए भी कुछ ले रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तू मुझे सुनाने आई है? और वो इंटर्न क्या कर रही है यहाँ पर? तेरी मूड के हिसाब से ना लोगों को फायर नहीं कर सकती मैं, नई एम्प्लॉई है। पर क्या बिगाड़ा उसने तेरा? किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकाल सकता तू रे। विक्रम और आराधना के रिलेशन से प्रॉब्लम है तो कन्फ्रंट कर ना, जा फेस। नहीं आशू, विक्रम मेरा दोस्त है, मेरा ब्रो है, डैड और विक्रम दोनों मेरे पिलर है। मैं डैड को एक बार प्यार में बेवकूफ बनते देख चुका हूँ। विक्रम क्यों लगता है विक्रम बेवकूफ बन रहा है? ये भी तो हो सकता है ना, खुश है वो रे। देख नहीं रहा तू उसको, जब देखो किसी कोने में खुसर फुसर करता रहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? चलन हाँ आई मीन विक्रम, जब से उसकी जिंदगी में वो लड़की आई है मुझसे बातें नहीं करता है। तेरी समझ के बाहर है, तेरी जलन का कारण है कौन? फिलहाल पॉटलक, एनीवेज मीटिंग में आओ। ऐसा तो तूने कुछ खाया भी नहीं था अभी। New pitches, guys. Tell me, tell me. New, new, new. So we could do the story on a swimming pool and school scandal. Not now. You Parliament building? Old. There's this NCERT syllabus review. पुराना है. जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट? 100 बार हो चुका है. स्कूल्स में टिफिन सर्विसेज में? कुछ नया बताओ मिस सानी, समथिंग न्यू. I think the swimming pool story is good and we can link it with the rise in dengue cases. Nice. Dengue cases. Sumi, too? Hey,
Nice shades of lipstick. Oh, you noticed? It's matching your blush. Swimming pool show it is, and we're doing that, all right? Okay. पानी में कूद मचा रहा है. Oh, you're so funny. कुछ लड़कियों के लिपस्टिक पे कमेंट करते हैं. And for some reason, I'm the loose character. कुछ कहा आपने? नहीं. Since I have no stories, no ideas, I would like to take a half day. Thank you. Hey, मैं भी half day ले रहा हूँ. Meeting over, guys. देखा? वो गई और वो गया. Delusional. No, I'm serious. अगम, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? मुझे बात करनी है. नहीं करनी है मुझे बात. मुझे करनी है. तू जानता नहीं है यार, तू गलत लड़की के पीछे पड़ा हो रहा. Let's go for dinner. I'll talk. तू उसे जानता तक नहीं है और उसके बारे में बकवास कर रहा है. सच बोलूं तो मुझे तेरे साथ डिनर करने का ना कोई पेशेंस है और ना ही मेरा मन. तू एक लड़की के लिए दोषी तोड़ेगा? तेरा मुंह नहीं तोड़ रहा हूँ ना, वो ही बहुत है. मुझे कहीं और जाना है रे. और तू क्या बकवास कर रहा है? तेरा ये जो टॉक्सिक नॉनसेंस बिहेवियर है ना, मेरे लाइफ लॉन्ग सा है. और आज जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी तू नहीं है. तू आराधना के बारे में क्या बकवास कर रहा है? तुझमें कोई तमीज है? एनीवेज मुझे डिनर पे जाना है और मैं फ्री नहीं हूँ. बाय. अच्छा, फिर तो आराधना भी फ्री नहीं होगी. वो तू उससे ही जाके पूछ ले. मैं अपनी मॉम के साथ जा रहा हूँ डिनर के लिए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.